हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल एम अकेडमी के स्पेशल लेक्चर में हम बी एल को कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमने थ्री लेक्चर कंप्लीट कर लिया है आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है जिसमें हमने टॉप ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पिक किया है ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एट फेब को उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे आप देख के जाइएगा फ्रेंड्स अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लें जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का पी अवेल कर सकेंगे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तो फ्रेंड्स आज जो हमारा पेपर कोड है बी एल आई जीरो वन टू है इसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो फ्रेंड्स ये हमारा सी एल आई एस के स्पेशल लेक्चर में हम लेक्चर नंबर फोर करने वाले हैं जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं लगभग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपको हो, आपके होंगे इसमें तो ये हमारा लेक्चर नंबर फोर है तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आई एस एस एन तो आई एस एस एन का फुल फॉर्म क्या है तो इसके ऑप्शन है ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्विस नंबर बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल न्यूमेरिकल और डी नन ऑफ दिस तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू हाउ मैनी डिजिट हैव इन द आई एस एस एन तो आई एस एन में कितने डिजिट होते हैं इसके ऑप्शन हैं ए टेन बी एट सी थर्टीन डी फिफ्टीन तो इसमें टोटल एट डिजिट होते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री द डिट डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड होमन नॉलेज इन टू तो कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है इसके ऑप्शन है ए टेन बेसिक कैटेगरीज बी हंड्रेड बेसिक कैटेगरीज सी थाउजेंड डी टेन थाउजेंड तो ये जो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन है उसको टेन बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा टेन बेसिक कैटेगरीज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सेशन नंबर मीन्स तो सेशन नंबर का क्या मतलब होता है इसके ऑप्शन हैं ए कॉल नंबर ऑफ ए बुक बी यूनिक नंबर फॉर ए बुक इन साइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी सी बुक नंबर डी क्लास नंबर तो जो सेशन नंबर का मतलब होता है यूनिक नंबर फॉर ए बुक इन साइड पर्टिकुलर लाइब्रेरी आगे चलते हैं क्वेश्चन पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्डते हैं right right तो इसको क्या बोलते है? इसके ऑप्शन ए रिकुटमेंट बी कोचिंग सी डिप्लॉयमेंट डी इंडक्शन जो पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस को हम क्या बोलते हैं रिक्यूटमेंट बोलते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा रिक्यूटमेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइनेंशियल सपोर्ट गिवेन टू लाइब्रेरी आर ऑफ टू टाइप्स रिकरिंग एंड डैश तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है लाइब्रेरी में दो तरह का होता है एक रिकरिंग होता है और एक कौन सा होता है ये पूछ रहा है तो इसके ऑप्शन से ए एडहॉक बी एंडोमेंट्स सी एनुअल डी नॉन रिकरिंग एक होता है रिकरिंग और एक होता है इंडोमेंट्स तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सिक्स का तो फ्रेंड्स ये आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका एग्जाम है एट फिफ्थ से इसको देखते हुए मैंने टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन लिए हैं ये आप इसे जरूर देख के जाइएगा ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इन फंड अकाउंटिंग डैश फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर परपजेज तो कौन सा अकाउंटिंग फंड अदर परपजेज के लिए नहीं यूज किया जा सकता तो इसके ऑप्शन से ए रिकरिंग बी नॉन रिकरिंग फंड सी रिस्ट्रिक्टेड डी इनकमरिंग फंड तो जो रिकरिंग फंड होता है उसको नहीं यूज कर सकते अदर पर्पज के लिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन का ए हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट वट आर द टू पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी तो दो पार्ट कौन से हैं एनुअल रिपोर्ट लाइब्रेरी के तो इसके ऑप्शन से ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी एनालिकल एन सिस्टमेटिक सी अपर एंड लोअर डी है डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेटिस्टिकल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट का डी हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेटिस्टिकल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन डैश आर द स्टोरेज एरिया फॉर द वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ड इन ए लाइब्रेरी तो इसके ऑप्शन से ए टास्क बी रैक्स सी स्टैक्स डी डेस्क इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन का सी हो जाएगा स्टैक्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन लाइब्रेरी कैटेलॉग कार्ड आर फिल्ड इन स्पेशली डिजाइन ड्रर कॉल्ड इसके ऑप्शन से ए चार्जिंग ट्री बी कैटलॉग कैबिनेट सी डिस्प्ले ब्रैक डी फिलिंग इक्विपमेंट तो इसको क्या बोलते हैं हम कैटेलॉग कैबिनेट बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन इन इंसाइक्लोफीडिया ब्रिटेनिका डैश एक्ट एज ए इंडेक्स टू माइक्रोपीडिया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोफीडिया हो जाएगा तो इलेवन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मार्क द ऑड वन आउट तो इसमें आपको ऑड वन आउट को मार्क करना है ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको ध्यान से देखिएगा इसमें तीन सेम होते हैं और एक अलग होता है उसको ऑड वन आउट बोलते हैं तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट है उसको फाइंड करना है तो पहला है ए अल ए फीलिंग रूल्स बी है रूल्स फॉर फीलिंग अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी सी है रूल्स फॉर फीलिंग अकॉर्डिंग टू डबल ए सी आर और डी है लाइब्रेरी फॉर कांग्रेस फीलिंग रूल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सी है रूल्स फॉर फीलिंग अकॉर्डिंग टू डबल ए सी आर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पेमेंट टू द बुक मेड ओनली करेक्टर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टीन का हमारा ए करेक्ट आंसर है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डबल ए सी आर वन वॉज पब्लिश इन विच इन तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ए है 1967 में पब्लिश किया गया था डबल एसीआर सी आर वन को आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर एंड रिलीजिंग द पोरर टिकेट इज नोन एज इसके ऑप्शन है ए चार्जिंग बी होल्डिंग सी रिजर्विंग डी डिस्चार्जिंग फिफ्टीन का जो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा डिस्चार्जिंग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इसके ऑप्शन ए सी कैटलॉग बी ऑथर कैटलॉग सी कार्ड कैटलॉग डी रजिस्टर फॉर्म फॉर्म ऑफ ए कैटलॉग तो सिक्सटीन जब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा ऑथर कैटलॉग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बुक्स मिसप्लेस ऑन द सेल्फ बाई रीडर्स आर रिस्टोर दिस वर्क इज रेफर टू एज ए तो इसका जो ऑप्शन है ए हो जाएगा शेल्विंग पी स्टॉक वेरिफिकेशन सी सेल्फ रेक्टिफिकेशन डी सिफ्टिंग सेवेंटीन तो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ रेक्टिफिकेशन हो जाएगा जो भी हमारा बुक मिक मिसप्लेस होता है उसको रिस्टोर करते हैं रीडर्स के थ्रू तो इसको क्या बोलते हैं सेल्फ रेक्टिफिकेशन तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देर आर लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इन डबल ए सी आर तो कितने लेवल होते हैं इसके ऑप्शन से ए फाइव बी टू सी थ्री डी फोर तो इसमें टोटल थ्री लेवल्स होते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीन का सी हो जाएगा थ्री आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज डैश ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल्स तो इसके ऑप्शन से ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बी एसेसिबिलिटी सी ड्यूरेबिलिटी डी ह्यूमन ह्यूमिडिटी कंट्रोल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एसेसिबिलिटी हो जाएगा नाइनटीन का बी करेक्ट आंसर है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आल पार्ट एंड बीजेस ऑफ ए वॉलूमर

तो सीट बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट बुक होता है यानी टेक्स्ट बुक के पहले और बाद में की जो सीट होती है उसको हम क्या बोलते है? हैं एंड पेपर्स बोलते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा एंड पेपर्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वॉज इस्ट ड्यूरिंग तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब इस्ट की गई थी तो इसके ऑप्शन ए फिफ्टीन सेंचुरी बी सिक्सटीन और डी 20 सेंचुरी तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसको में किया गया था आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, the, so किस तरह का फीचर होता है इसके ऑप्शन से ए डिक्शनरी कैटेलॉग बी क्लासीफाइड कैटेलॉग सी ऑथर कैटेलॉग डी 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 सी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी डी सी हो जाएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं कॉलेशन बी कंजर्वेशन सी सेल्फ अरेंजमेंट डी ऑर्गेनाइजेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा कंजर्वेशन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ट्वेंटी रिकॉर्ड ऑफ ए बुक विच शोज द पोजिशन ऑफ एनी बुक ऑन द सेल्फ तो इसको ऑप्शन हैं ए गाइड बी एसेशन लिस्ट डी सेल्फ लिस्ट तो इसको सेल्फ लिस्ट बोलते हैं बुक्स विथ शो दोजीशन ऑफ एनी बुक्स ऑन द सेल्फ तो ये सेल्फ में पोजिशन शो करता है बुक्स की किस पोजिशन पर बुक्स हैं उसको हम सेल्फ लिस्ट बोलते हैं तो ये हमारे रहे टॉप ट्वेंटी फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर है उसको देखते हुए सारे क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं पिक किए गए हैं तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप इसे देख के जाइएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद